Hello everyone, how are you? I hope you are well. तो आज हम लोगों ने एक वीडियो बनाने की सोची है और मैं एक अवसर के ऊपर वीडियो बनाने की सोचा हूँ, तो मैंने उस अवसर के ऊपर वीडियो बनाया है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार पुलिस के एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे डिसक्वालीफाई भी हुए हैं, तो उन सभी में बहुत सारे बच्चों को अवसर भी मिले हैं पास आउट होने के लिए, और बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं जिसकी वजह से वो लोगों ने इस अवसर को खो दिया है। लेकिन हमें ऐसी कोई भी चीजें हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर मिलते रहते हैं, सभी के जीवन में एक या दो बार ऐसे अवसर जरूर आते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं, एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जरूरत केवल अवसर को पहचानने की है। जो व्यक्ति जीवन में आए हुए अवसरों को पहचान लेता है वो सफलता को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे अवसरों को अपनी जिंदगी से जाने देता है वो उस अवसर को नहीं पहचानता, जिसकी वजह से वो सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता है। मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा मेरे पास एक कहानी है जिसको कि मैं बताना चाहता हूं। एक बार बिल गेट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक बार उनका इंटरव्यू होने वाला था, तो जिस इंटरव्यूअर को बोला गया कि आपको इनका इंटरव्यू लेना है और आपको अच्छे ढंग से लेना है, वो इंटरव्यूअर बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही उसे हैप्पी महसूस हुआ कि चलो कम से कम मैं एक बहुत बड़े इंसान का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। जब बिल गेट्स उसके कंपनी में यानी उसके चैनल में आए तो उन्हें बैठाया गया। उस इंटरव्यूअर ने, उस चैनल के एंकर ने उनसे बस एक ही सवाल पूछा। जब बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे एंकर ने एक सवाल पूछा कि आप इतने बड़े अमीर आदमी कैसे बन गए? तो बिल गेट्स ने मुस्कुराते हुए उनके सामने एक चेक फाड़ के दिया, ब्लैंक चेक। तो उस एंकर ने वो चेक लेने से मना कर दिया। अब ये कहा कि नहीं, मैं इस चेक को नहीं ले सकता हूं। उसने हंसते हुए कहा कि आप बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल गेट्स ने पुनः वो ब्लैंक चेक उनकी तरफ किया, उस एंकर की तरफ किया और कहा कि ये चेक आप रख लीजिए। उस एंकर ने पुनः उस चेक को वापस कर दिया और कहा कि मैं इस चेक को नहीं ले सकता हूं। तब बिल गेट्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अगर ये चेक लेते तो दुनिया के सबसे अमीर एंकर बन सकते थे, लेकिन तुमने ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर गवा दिया। अगर तुम ये चेक लेते और इसमें जितने तुम अमाउंट भरते तो आज दुनिया के तुम सबसे अमीर एंकर बन जाते, लेकिन मैंने दो बार तुम्हें अवसर दिया। यानी कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटी दो बार तीन बार मिलती हैं और हम उसे गवा देते हैं, जैसा उस एंकर ने गवाया था। यानी कि अगर वो चेक ले लेता तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता, दुनिया का सबसे अमीर एंकर बन जाता। इस पर उन्होंने बताया कि अमीर होने के मेरा कारण यही है कि मैं कोई भी अवसर गवाता नहीं हूं। बिल गेट्स महोदय ने कहा कि चाहे जिस तरह के अवसर मिले, वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को लेने से कतई नहीं चूकता हूं। अगर तुम्हारे पास अवसर आ रहे हैं तो तुम उस अवसर का उपयोग करो, उसे लो। यानी कि बिना अवसर को पाए हुए हम लोग कोई भी काम आगे नहीं कर सकते हैं। इस जीवन में मनुष्य को हमेशा एक दो तीन ऐसे कई सारे अवसर मिलते रहते हैं। जो मनुष्य इस अवसर को पहचान लेता है, वो जान लेता है, वो अपने लाइफ में सबसे सक्सेसफुल होता है। लेकिन उस एंकर की तरह जिसने कि अवसर को गवा दिया, वो अपॉर्चुनिटी को खो दिया, उसके जैसा मूर्ख इंसान, यानी कि अब कहा जाए तो उसने बिल गेट्स के दिए हुए ब्लैंक चेक को ठुकरा दिया। यानी उसके पास एक बार नहीं, दो दो बार उन्होंने उस चेक को दिया और उन्होंने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो अमीर एंकर बनने से चूक गया। इस छोटी सी कहानी में एंकर के जीवन में बिल गेट्स महोदय के रूप में एक सुनहरा अवसर आया था, लेकिन वह अपने अविवेक के कारण इस अवसर को नहीं पहचान पाया और अपने इस अवसर को अपने हाथों से जाने दिया, जिसकी वजह से वो करोड़पति एंकर या अमीर एंकर नहीं बन पाया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे यूं ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर आते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जानना जरूरी है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। यानी कि जिस व्यक्ति ने वो अपॉर्चुनिटी को पा लिया, वो जान लिया, वो अपने लाइफ में सबसे सक्सेसफुल होता है। अतः हमारे जीवन में जो भी अवसर आते हैं उनको पहचानना सीखिए, उनको जानना सीखिए,
अवसर जो होते हैं बहुत ही मूल्यवान होते हैं, यानी कि वो अवसर बहुत ही आपके लिए मूल्यवान होंगे, यानी जिस अवसर को आपने पहचान लिया वो आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, और अगर जिस अवसर को आपने छोड़ दिया वो आपको उस एंकर की तरह गरीब ही रखेगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।